हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 17 सितंबर 2019 है और आज के वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम आज का सवाल प्रतियोगिता की, जिसमें आप शामिल होकर इस वीडियो में आ सकते हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। उसके लिए करना होगा ये वीडियो को अंत तक पूरा देखें और उसके बाद हमारे करंट अफेयर का टेस्ट अंत में देखना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम थॉट ऑफ द डे की। आज का हमारा थॉट है वही थॉट जो कल मैंने बताया था और उससे भी पहले बताया था, यानी 2 दिन से लगातार रिपीट कर रहा हूँ। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि सफलता सिर्फ चाहने भर से नहीं मिलती, उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। चाहने भर से कुछ भी नहीं होता। अगर आप बैठे बैठे सिर्फ चाहने भर चाहते रहें कि यार मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, और करें कुछ ना, यानी कि क्रिया अगर आपने नहीं की, कर्म आपने नहीं किया, तो आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों के क्विक रिविजन की। पहला प्रश्न कि UNCCD के पार्टियों के 14वें सम्मेलन ने किस घोषणा को अपनाया है, तो इनके द्वारा दिल्ली घोषणा को अपनाया गया। दूसरा प्रश्न कि देश के सरकारी प्रसारक दूरदर्शन ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो दूरदर्शन ने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तीसरा प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं चौथा प्रश्न है कि किस राज्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया राजस्थान द्वारा। पाँचवा प्रश्न है कि किस देश के द्वारा राजदूत नवदीप सिंह सूरी को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद द्वितीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किसे इंजीनियर संस्थान द्वारा इंजीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये विनोद कुमार यादव रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रमुख हैं। आज सातवां प्रश्न है कि एंडू रोमन रेस जीतने वाले भारत और एशिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं मयंक वेद, और दुनिया के 44वें एथलीट बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि बैडमिंटन के वियतनाम ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, तो ये खिताब जीता है सौरभ वर्मा ने। और नवा प्रश्न है कि किसने विलियर्ड्स में 22वां विश्व खिताब जीता है जो दुनिया में सर्वाधिक है, और ये जीता है पंकज आडवाणी ने। और दसवां प्रश्न है कि बैडमिंटन के बेल्जियम इंटरनेशनल चैलेंज का एकल खिताब किसने जीता है, तो ये लक्ष्य सेन ने खिताब जीता है। तो ये तो थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्न, बात करेंगे आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। और आज के करंट अफेयर के प्रश्नों में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में अगर वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए, कारण बताइए, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ेंगे पहले प्रश्न की तरफ कि किस संस्थान में भारतीय नौसेना के लिए वॉर गेम तैयार किया है, तो ये वॉर गेम भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया गया है DRDO के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अच्छा, मैं आपको एक इसमें बात बता देता हूँ कि सेनाओं से संबंधित जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी तैयार की जाती है वो सारी के सारी प्रौद्योगिकी DRDO ही तैयार करता है, चाहे वो कोई जैकेट हो, चाहे कोई बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे मिसाइल वगैरह काफ़ी सारी जो होती हैं वो DRDO बनाता है, राइट। इसरो का काम जो है अंतरिक्ष से संबंधित है, राइट। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष संस्था है और रॉसकॉस्मोस ये रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी है रूस की। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसकी डिटेल की क्या है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको DRDO कहा जाता है उसकी एक प्रयोगशाला है, और उसकी प्रयोगशाला नौसेना की जो जरूरतें बदल रही हैं उसके अनुसार एक वॉर गेम तैयार किया है, और ये वॉर गेम विशाखापट्टनम स्थित मेरीटाइम वॉरफेयर सेंटर के साथ मिलकर बनाया गया है, राइट। अब DRDO के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में हुई और अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी हैं, जिस तस्वीर में आप जिनको देख पा रहे हैं। मोटो क्या है, यानी इसका आदर्श वाक्य पूछा जाता है संस्कृत में वलश्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस, तो ये इसका मोटो है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि किसने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लीडरशिप कार्यक्रम लीप और वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम अर्पित की शुरुआत की है, तो ये इन दोनों कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है, तो मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार के हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, निशंक जी के बारे में आपको बता देता हूँ, इनका लोकसभा क्षेत्र कभी कभी पूछा जा सकता है, इनका लोकसभा क्षेत्र जो है वो हरिद्वार है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में, राइट, याद रखिएगा।
अब इनके द्वारा जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसमें कैसे गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, कैसे क्वालिटी इन्हेंस की जाए, उसी के लिए 2029 का लीडरशिप कार्यक्रम लीप और वार्षिक रिफ्रेशर कार्यक्रम अर्पित की शुरुआत की गई है। याद रखिएगा 2019 का एक्चुअल में, 2019 का। अच्छा, डॉक्टर निशंक ने पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन के जो कार्यक्रम है उनकी भी शुरुआत की है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कि भारत और किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच पहला संयुक्त अभ्यास हुआ है? तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास था जो पहली बार आयोजित किया गया, और ये आयोजित हो रहा है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो अंडमान सागर जो कि भारत में स्थित है, अंडमान सागर में थाईलैंड और सिंगापुर की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का पहला त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो पोर्ट ब्लेयर के निकट शुरू हुआ है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है, राइट। तीनों जो देश हैं उनके बीच में 5 दिन का अभ्यास है। और क्यों आयोजित किया जा रहा है? समुद्र रिश्तों को मजबूत करने के लिए। तो इस प्रकार की चीजें हमेशा होती हैं, तो आप याद रख लीजिएगा। अब इन दोनों देशों की मैं आपको बात बताता हूं। पहले बात करूंगा थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी बैंकॉक है। प्रधानमंत्री यहाँ के प्रख्युत चान ओछा है, जबकि मुद्रा यहाँ की थाई बात है। सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। यहाँ की राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। हलीमा याकूब के दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है कि ये सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, और दूसरा इनके पिता भारत के थे, तो ये भारत की बेटी भी इनको मान सकते हैं। प्रधानमंत्री ली सियन लूंग है, और मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। चलिए मैप में मैं आपको सिंगापुर और थाईलैंड लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत है, और हमारे भारत से थाईलैंड अगर आपको जाना है तो म्यांमार को क्रॉस कीजिए, और आप पहुंचेंगे सीधे म्यांमार को क्रॉस करने के बाद थाईलैंड, जो कि येलो कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी राजधानी बैंकॉक यहाँ पर है। आसपास इसकी सीमा ऊपर लाओस के साथ में, इधर कंबोडिया के साथ में, उधर म्यांमार के साथ में, और नीचे मलेशिया के साथ में लगती है, राइट। और मलेशिया के नीचे अगर आप देखेंगे एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम क्या है, सिंगापुर। तो सिंगापुर कहाँ पर है ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो ऑरेंज कलर का यहाँ पर एक छोटा सा देश जो दिखाई दे रहा है जो ऑरेंज कलर में है, तो यही जो है सिंगापुर है, जो कि मलेशिया से अलग होकर बना था, और बहुत छोटी सी ये कंट्री है, एक शहर के बराबर ये पूरा देश है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला चौथा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका 63वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? 63वां वार्षिक सम्मेलन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वियना ऑस्ट्रिया में शुरू हुआ। यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए इसकी क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका 63वां वार्षिक सम्मेलन 16 सितंबर को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शुरू हुआ है, और इसके अंदर 171 जो इसके सदस्य देश हैं उसके प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ, 29 जुलाई 1975 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में ही है। और उद्देश्य क्या है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग किया जाए, उसको सुनिश्चित करना, राइट। इसकी आप यहाँ पर मोटो भी देख सकते हैं, एटम फॉर पीस या एटम्स फॉर पीस, यानी कि एटम शांति के लिए, याद रखना है आपको ये। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, जो कि पांचवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA में शामिल होने वाला 79वां देश कौन सा बन गया है? तो ऐसा करने वाला देश बन गया है सेंट विसेंट एंड ग्रेनाडाइस, राइट। याद रखिएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सौर अलायंस ISA, इसमें शामिल होने वाला 79वां देश बन गया है। और ये जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है, उससे निपटने के उद्देश्य से भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर शुरू किया गया था 2015 में, याद रखिएगा, राइट। अब यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, और एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। सेंट विसेंट और ग्रेनाडाइस की बात करूं तो इसकी राजधानी किंग्सटाउन है, और यहां के प्रधानमंत्री रॉल्फ गोंजाल्वेस हैं, जो भी हाल ही में भारत की यात्रा पर आए थे।
और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए मैप में मैं आपको अब सेंट विसेंट और ग्रैंड आइज लिए चलता हूँ। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत, और हमारे भारत से सेंट विसेंट जाना है तो मूव कीजिए पश्चिम में, अफ्रीका को क्रॉस कीजिए, अटलांटिक महासागर में पहुंचिए, और अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे ये है कैरेबियन सी, राइट, कैरेबियन सी। और कैरेबियन सी में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, ये एक बहुत छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, जिसके आसपास से ग्रेनाडा करके एक देश है। इधर देखेंगे तो त्रिनिदाद टोबैगो है, इधर बारबाडोस है, ऊपर सेंट लूसिया है, डोमिनिका है, ये छोटे छोटे से देश है। ये सब देश आपस में मिलकर ही क्या बनाते हैं, वेस्ट इंडीज बनाते हैं, जिसकी टीम के बारे में आपने सुना होगा जो क्रिकेट खेलती है, राइट। तो वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला छठवां प्रश्न है कि किस देश की सरकारी तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन हमला हुआ है। तो ये जो सरकारी तेल कंपनी है सऊदी अरब की तेल कंपनी है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी है अरामको, और इसके दो ठिकानों पर 14 सितंबर को ड्रोन हमले हुए, जिससे कंपनी का उत्पादन ठप हो गया और लगभग 50% जो कंपनी का उत्पादन था वो घट गया, राइट। इस हमले से जो ग्लोबल सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई मतलब दुनिया भर में जो सप्लाई होती है उसके 5% असर पड़ेगा, यानी 5% ग्लोबल सप्लाई कम हो जाएगी, और कच्चे तेल की कीमतें अब इससे क्या जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। अच्छा, अरामको जो है विश्व की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी है, और विश्व के कुल कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 10% सऊदी अरब से ही उत्पादित होता है, और इसका भारत पर क्या असर होगा, भारत अपनी जरूरत का या जो आयात करता है उसका लगभग, उसका तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश, या भारत जिससे सबसे ज़्यादा आयात करता है वो सऊदी अरब ही है, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत के लिए सऊदी अरब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि सातवां प्रश्न है कि कौन सी फिल्म 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की द गार्जियन की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बनी है, और इस फिल्म का नाम है गैंग्स ऑफ बासीपुर। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी डिटेल देख लीजिए द गार्जियन, देखिए क्या है। तो फिल्म निर्माता है अनुराग कश्यप, इनकी फिल्म गैंग्स ऑफ बासीपुर 21वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। तो द गार्जियन ये एक ब्रिटिश अखबार है, याद रखना आपको कि ये ब्रिटिश अखबार है, उसके द्वारा ये सूची जारी की गई है, राइट। कौन सा स्थान इसको मिला है, तो 59वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है इस पूरी सूची में, और पहले स्थान पर इस सूची के अंदर देयर विल बी ब्लड, ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी, ये मूवी इसमें नंबर वन पर है। अब गैंग्स ऑफ वासेपुर ये इसमें श्रृंखला है, इसकी दो मूवीज हैं, 2012 में रिलीज हुई थी, और झारखंड का जो धनबाद है वहां के वासेपुर शहर है, वहां के कोयला माफिया परिवार की कहानी इसमें बताई गई है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि आठवां प्रश्न है कि सोशल मीडिया खातों को किस केंद्रीय डेटाबेस में जोड़ने की योजना पर सरकार काम कर रही है, इस पर विचार कर रही है, और ये है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, जिसको नेट ग्रिड के नाम से जाना जाता है, इसके अलावा सरकार जो है आवर्जन प्रविष्टि, आवर्जन का मतलब होता कोई भारत में एक जगह से दूसरी जगह विदेश से जो कोई आता है, खासकर उससे बैंकिंग, फोन नंबर, और एक मंच के मामले में सभी डेटाबेस जानकारी सहित रिकॉर्ड के साथ सोशल मीडिया से जुड़ने की योजना बना रही। कुल मिलाकर कहने वाली चीज़ है कि इन सब को तो जोड़ा जा रहा है, साथ में सोशल मीडिया को भी नेट ग्रिड से जोड़ने की योजना सरकार बना रही है, राइट। अब नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड या नेट ग्रिड क्या है, तो 2009 में इसको 2,800 करोड़ रुपए की खर्च के साथ शुरू किया गया था, और 10 जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जैसे आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, रॉ, सीबीआई, और इस प्रकार की 10 एजेंसियां हैं जो इस डाटा तक पहुंच सकती है, और वहां से क्या हो सकता है, एक प्रकार की ये डायरेक्टरी है जहां से किसी भी व्यक्ति के बारे में उसकी पर्सनल डिटेल्स तक ये एजेंसी प्राप्त कर सकती है, याद रखना आपको। नवा प्रश्न है कि किसने बैडमिंटन की म्यांमार इंटरनेशनल सीरीज में पुरुष सिंगल्स खिताब जीता है, तो ये खिताब जीता है भारत के कौशल धर्मामेर ने, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कौशल धर्मामेर, और इन्होंने म्यांमार इंटरनेशनल सीरीज में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है,
और कौशल ने पिछले साल अक्टूबर में हेडजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी जीता था। 2 साल से ये इंजरी के थे, उसके कारण इनकी रैंक काफ़ी नीचे है, 187वें नंबर पर ये वर्तमान में है विश्व रैंकिंग के अंदर, याद रखना आपको। आगे बढ़ेंगे 10वें प्रश्न की तरफ कि किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित बास्केटबॉल विश्व कप जीत लिया है, और बास्केटबॉल विश्व कप जो जीता है ये जीता गया है स्पेन के द्वारा, राइट। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, अर्जेंटीना को इन्होंने हराया है। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया और चीन के बीजिंग में आयोजित हुआ था बास्केटबॉल विश्व कप ये खिताब जीत लिया है। ये जो टूर्नामेंट था 32 टीमों के साथ खेला गया था और अब तक का सबसे बड़ा बास्केटबॉल विश्व कप ये था, राइट। अगला विश्व कप 2023 में होगा और इसका आयोजन होगा जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में, याद रखिएगा। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो। अब हम बात करेंगे आज का सवाल प्रतियोगिता के विजेता की। आज के विजेता हैं प्रथम गोस्वामी, प्रथम उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं, और हमारा प्रश्न था कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। अब इसके बारे में आप जानिए प्रथम से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथम गिरी गोस्वामी है और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले का रहवासी हूँ। मैंने हाल ही में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं मध्य प्रदेश SI के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरा आज का टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य 5 वर्ष में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर भारत को खुले से शौच मुक्त बनाना रखा गया है, जिसके अंतर्गत 860 लाख शौचालय पूरे देश के विभिन्न अंग में बनाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य केवल अपने आसपास सफाई करना नहीं है, परंतु पूरे देश में सभी की सहभागिदारी से पेड़ लगाना, स्वच्छ भारत का निर्माण करना तथा खुले से शौच मुक्त करना है। और मैं आप सबसे यही मुहिम करता हूँ कि आप भी हमारे आसपास की सफाइयों को ध्यान रखें और हमारे देश को स्वच्छ बनाने की ओर एक अपना एक कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्रथम का जवाब पसंद आया होगा, और आप भी चाहते हैं इस प्रकार से इस वीडियो में आकर अपना नॉलेज शेयर करना, तो भाग लीजिए इस प्रतियोगिता में। और उसके लिए आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है आज का सवाल, इसका जवाब तैयार करना होगा, और दोपहर 3 बजे से पहले एग्जाम गुरुजी ऐप पर फ्री करंट अफेयर टेस्ट देना होगा, और पहले अटेम्प्ट में 10 में से 10 अंक लेना लाना होगा, जो कि बहुत सरल है। और उसके बाद 4 से 6 बजे के बीच में हमारी टीम आपको कॉल करेगी एक लकी विजेता को, और कॉल आने के 1 घंटे के अंदर आपको अपना उत्तर वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजना पड़ेगा। वीडियो का लेंथ 1 से 1.5 मिनट के बीच में होना चाहिए। तो ये तथ्य आज का हमारा पूरा वीडियो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज की बात हम करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।